तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 56। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू रूट थ्री वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देन वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या होगा, ये हमको पूछा गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, तो वो होता है ए बी साइन थीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये क्या होता है, तो वो होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये दोनों वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी जगह पे पुट कर देंगे। तो ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर ए बी मर जाएगा और हमको क्या मिलता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आएगा, रूट थ्री। यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रूट थ्री आ गया, मतलब ही क्या हो गया, टैन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री आ गया। अब टैन थीटा की वैल्यू रूट थ्री कब आती है, जब आपका थीटा 60 डिग्री होता है तब वो आती है। तो ये तो हो गया एंगल। अब हमको निकालना है वेक्टर ए और वेक्टर बी इनका मैग्नीट्यूड। तो ये मान लेते हैं वेक्टर ए है और ये मान लेते हैं वेक्टर बी है, दोनों के बीच में है एंगल 60 का। तो हमको क्या पूछा गया है कि भाई ये मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का कितना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 60 कितना होता है, तो वो होता है 1/2। तो ये कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी टू द पावर 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन सही है। तो डी ऑप्शन को टिक करो और आगे बढ़ जाओ।